ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा 36 बिरादरी के लोग आ चुके हैं सरकार से तंग, इन्हें लोग की सरकार आने पर कर दूंगा वारे न्यारे। गठबंधन सरकार को बताया लुटेरों की सरकार, इनेलो की सरकार आने पर लुटेरे होंगे सलाखों के पीछे। दोस्तों नमस्कार, केएनआई मीडिया के लिए जुलाना से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जुलाना पहुंचे, वहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि 36 बिरादरी के लोग सरकार से तंग आ चुके हैं और इनेलो का जनाधार बढ़ता जा रहा है और यकीनन प्रदेश में अगली सरकार इनेलो की बनेगी। आप खुद ही सुनिए इनेलो सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार का पतन हो और एक अच्छी सरकार गठन हो, देश के लोगों को स्वच्छ प्रशासन दे सके, इसलिए आपको अब ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें पुचकार दो, उन्हें साथ शामिल करो ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो सके और 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के आज इस पद करें कि इस प्रशासन का अंत करें और एक ऐसी सरकार का गठन करें जो देश हित में काम करे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करे। इसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें पुरस्कार के साथ जोड़ दो। हमारा कोई किसी से द्वेष नहीं है, हम तो सबको साथ जोड़ना चाहते हैं और सारे जब साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से परिस्थितियाँ होगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं, समूचे भारतवर्ष में कृषि प्रधान देश का किसान और तबेला राज सत्ता का मालिक होगा और इस देश में अच्छे लोगों के हाथ में हुकूमत आएगी जो इस देश के भविष्य को उज्जवल बना सके। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, मैं जब उन लोगों को मिलने गया था तो 36 बिरादरी के लोग उसमें शामिल थे। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। मैं सैर सपाटे करने नहीं गया था, उन लोगों के राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के सतह पर भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है जो सभी बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के चलता है और 36 बिरादरी के लोग उसके साथ। इसलिए आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, आने वाले चुनाव में ये 36 बिरादरी के लोग आपका साथ देंगे। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं, इसलिए इसको संभालने की आवश्यकता है। यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया था। मुझे यकीन विश्वास और भरोसा है कि आप लोगों के प्रयासों से, आपकी मेहनत से राज की परिस्थितियाँ बदलेंगी। हमेरे इस देश के राज भाग के मालिक होंगे और लुटेरे देश की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। मैं आपको वायदा देकर के जा रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आपको सारी सुविधाएं प्रदान करें। सीधी भाषा में एक ही बात है कि यार राज बढ़ा दो, फिर थारे सारे वोट में काट दूंगा। इसलिए साथियों, मैं तो भागता साया और पता नहीं मैं कब तक हूँ, लेकिन मैं